सरयू तट पर ऑटो रिक्शा से स्नान करने जा रहे दो लोगों की मौत व तीन घायल। रविवार की भोर में अनियंत्रित पिकअप की टक्कर से ऑटो पलट गया, जिससे ऑटो में सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य को नाजुक हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह लगभग 5 बजे राज्य सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के गढ़वाल कमरिया मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित पिकअप की टक्कर से सवारियों से भरी ऑटो पलट गई। ऑटो में सवार फूलमती पत्नी चंद्रपति, प्रेमशिला पत्नी उमेश चंद्र जायसवाल की मौत हो गई। वहीं प्रतिमा पत्नी मदनलाल, सुनीता पत्नी इंद्रेश, लीलावती पत्नी सभापति निवासी गढ़ देवलर की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऑटो में सवार लोग सरयू नदी के तट पर स्नान करने जा रहे थे। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर थानाध्यक्ष प्रभारी बेचू सिंह यादव ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्यवाही शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष प्रभारी बेचू सिंह ने बताया कि मामले में आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 5/11/2023 को थाना राज्य सुल्तानपुर क्षेत्र कमरिया घाट से 1 किलोमीटर दूरी पर कोटाही के पास एक ऑटो जिसमें 6 लोग सवार थे, एक पिकअप गाड़ी के टक्कर मारने से ऑटो उलट गया। सूचना आई, थाने की पुलिस पहुंची, देखा कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। उसके बाद जो घायल थे उनको CSC अस्पताल जहांगीरगंज भर्ती कराया गया। उसके बाद वहां पर भी इलाज के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई है।